थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझसे जब भी मैं कोई वीडियो बनाता होता हूँ, काफ़ी लोग आके मुझसे एक चीज़ सवाल पूछते होते हैं कि ये ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करना है, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कौन सा ब्रोकर सिलेक्ट करें। तो ये वीडियो जो है अब आपके इस सवाल का जवाब दे देगी। मैं वैसे आपको ये कहूँगा कि ब्रोकर के बारे में इतना फसी मत हुआ हो करें, तो होपफुली जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से ब्रोकर हैं जो मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरी नज़र में काफ़ी अच्छे हैं, और एक वो ब्रोकर बताऊँगा जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि मैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म बार बार आपको दिखा रहा होता हूँ अपने, कि सारे उसमें टेक्निकल्स कभी दिखा रहा हूँ, कभी मैं उसके चार्ट्स दिखा रहा होता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर है मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, मुझे इसमें से किसी ब्रोकर ने किसी किस्म के कोई पैसे नहीं दिए हुए, ये कोई एफिलिएट मार्केटिंग मैं किसी की नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, ये ब्रोकर्स अच्छे हैं, और इनको सिर्फ यही ब्रोकर आप यूज़ नहीं कर सकते, और कर सकते हैं, ब्रोकर्स और भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा, कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट किया जाए, तो वो जल्दी से मैं आपको अपने सिस्टम पे लेके जाऊंगा, ताकि मैं आपको वो लिस्ट दिखा दूं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो मौजूद है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसमें से ही मुझे ब्रोकर सेलेक्ट करना है, मुझे ज़्यादा इर्द गिर्द डेविएट होने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैंने नैरो डाउन तीन ब्रोकर किए हैं, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, तीन इसलिए किए हैं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। अगर मैं आपको कह दूंगा ये 10 सबसे अच्छे ब्रोकर हैं तो आप सोचते ही रह जाएंगे। तो तीन ब्रोकर्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो रोशन डिजिटल अकाउंट वाले हैं जो कि ओवरसीज बैठे हैं, उनको तो चाहिए इनमें से कोई पकड़ लें, या कोई और अच्छा ब्रोकर जिसको वो जानते हैं, जिसके ऊपर काम किया हुआ है या किसी से सुना हुआ है, उसको आराम से पकड़ के स्टार्टिंग कर दें ट्रेडिंग। जो पाकिस्तान में भी मौजूद है, कोशिश करें एक अच्छा ब्रोकर पकड़ने की कोशिश करें, चीप ब्रोकर आपने नहीं लेने। वैसे तो मेरे ख्याल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के 527 ब्रोकर्स की कंपनी हैं, जो या एजेंट्स भी हैं, इसके अलावा वो फर्म्स भी हैं, लेकिन आपको एक अच्छी कंपनी पकड़नी है और कोशिश करें उसके पास वो सारी चीज़ें जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। चलिए सिस्टम पर चलते हैं और जाके देखते हैं, चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये मैं आ गया हूँ इस पेज के ऊपर, इसमें आप देखते हैं, आपको मैं ये लिंक दे दूंगा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट का लिंक है, इसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स भी मिल जाएंगे और ब्रांचेस ऑफ ब्रोकर्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये दोनों चीज़ें देखने का क्यों कह रहा हूँ, जब आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लिस्ट के ऊपर या पढ़ें TREC1, ये सारे नंबर ऑफ ब्रोकर्स हैं, तो अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा टोटल 527 ब्रोकर्स हैं इसके ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन आपने साथ साथ ये भी देखना है कोई नॉन एक्टिव भी हैं और ये एक्टिव भी हैं, ठीक है, और इसके अंदर कई टर्मिनल्स, ट्रेडिंग टर्मिनल सस्पेंडेड हैं, किसी की पूरी फर्म ही सस्पेंडेड है या एजेंसी सस्पेंडेड है, तो इसके थ्रू आप ये देख सकते हैं करंटली ये इस टाइम जो अपडेटेड है ये February 1, 2022 की अपडेटेड है। यानी अब तक अगर कोई किसी बंदे ने आपको आके मशवरा दिया कि फलां ब्रोकर है बड़ा है जी, मैं उहदे नाल कम करना या बड़ा चंगा हैगा ते आ जाओ उहदे नाल कम करिए, तो पहले आपने इसमें आके देख लेना इस लिस्ट में उस ब्रोकर का नाम है, कहीं वो सस्पेंडेड तो नहीं है, उसकी हालात कैसे हैं, ठीक है। ये हैं 500 तकरीबन। अब हम इसको फर्दर नैरो डाउन करेंगे, नीचे की तरफ भी जाएंगे आगे आस्ता आस्ता, आगे हम देखेंगे अगली लिस्ट है ये दूसरी वाली जो होगा, आप लिस्ट खोलेंगे जिसके ऊपर लिखा है ब्रांचेज ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स, इसको जब आप खोलेंगे तो आपके सामने अब आप पता चलेगा ये बड़ी बड़ी वो कंपनीज़ हैं, सारी ब्रोकरेज की कंपनीज़ हैं जिनकी आगे वो बता रहे हैं ब्रांचेज कितनी कितनी हैं। तो अब आप देखो इसमें आप जिसकी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी इससे मतलब वो उतनी डेवलप्ड कंपनी है और उतनी बेहतर कंपनी है, इससे आपको उसकी कंपनी की ग्रोथ का पता चलेगा कितनी बड़ी है। जैसे ये AKD है, क्योंकि मैं आपसे आगे AKD के बारे में भी बात करने वाला हूँ, तो ये AKD सिक्योरिटीज़ को देख लें, इसकी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन ब्रांचेज मौजूद हैं। और आप नीचे जाइए जाएंगे ये BMA कैपिटल भी एक अच्छी है, इसकी भी देखें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है। इन नंबर ऑफ ब्रांचेज से भी आपको एक आइडिया यहाँ से ये होगा कि ये जो हैं कंपनीज, ये एक अच्छी ब्रोकरेज की कंपनीज या फर्म्स हैं, ठीक है, प्रॉपर हैं ये, ठीक है, इनसे आप भाग नहीं सकते। IGI भी ठीक है। तो ये बस आपको मैंने दिखा दिया एक जल्दी से, ताकि आप इसको आराम से बैठ के देख लें बाद में। ये देखें आरिफ हबीब भी है, मैंने इसके बारे में भी बात करनी है आपसे, इसलिए मैं आपको आरिफ हबीब भी दिखाने जा रहा हूँ। इसकी भी देखें कितनी ज़्यादा है, और इसमें लिखा रहा है ट्रेडिंग है, सेल्फ क्लियरिंग है इन लोगों की, तो पैनल इनका मौजूद है। तो ये है दूसरा लिंक, आपको ये चीज़ बताएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगला फिल्टर डाउन कैसे आपने फर्दर ब्रोकर को करना है। अब ये VIS रेटिंग है, ये भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा। इस रेटिंग के अंदर जो कंपनीज हैं ये वो प्रॉपर कंपनीज हैं, और ये देखिए थोड़ी हैं, ये लिस्ट 500 की नहीं है, इसमें थोड़ी कंपनीज मौजूद हैं। इनको रेटिंग दी जाती है VIS की तरफ से
कि इनका इनका स्टेटस कैसा है, ये स्टेबल कंपनीज हैं, पुरानी हैं, अच्छी हैं, क्या इनका चल रहा है, क्रेडिट रेटिंग इनकी कैसी है। तो VIS को भी आपने एक बार देख लेना है और इसको मस्त देखना है आपने, वो इस वजह से क्योंकि इसमें प्रॉपर कंपनीज ही आएंगी। मसलन इसके अंदर मैंने जैसे AKD सिक्योरिटीज की आपकी बात की थी, मैंने इसके बारे में बताऊंगा, तो ये स्टेबल इसका स्टेटस है और ये भी आप लेने देख लेना है। लॉन्ग टर्म A+ है, शॉर्ट टर्म A-2 है और ये अपग्रेड हो गई हुई है, इसका एक्शन इसको अपग्रेड कर दिया हुआ है, इसे पता चलता है। अगर ये डाउनग्रेड हो रहा होगा, इसमें मतलब एक कंपनी की सूरत हाल पिछले एक साल में खराब हुई है, तो ये एक AKD का अच्छा है। इसके बाद मैंने आपसे आरिफ हबीब की भी आज बात करनी है, तो इसको भी आप देखें, तो इसका A-A- है, A- है, ये भी स्टेबल है, रिफर्म्ड है, वो कह रहे हैं इट्स फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो मैंने तीसरी आपसे बात करनी है, वो फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ की बात करनी है, तो फाउंडेशन सिक्योरिटी को भी आप देखें, स्टेबल है, मेंटेन्ड है और इसका भी इसमें नाम आ रहा है, VIC रेटिंग के अंदर प्रॉपर आ रहा है। अगर आप इस रेटिंग को फर्दर स्टडी करना चाह रहे हैं, बेसिकली रेटिंग होती क्या है, तो ये रेटिंग रिपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे ये, तो ये रेटिंग रिपोर्ट उस कंपनी की खुल जाएगी, उसमें आप उसकी एक तो रेटिंग देख सकेंगे उस कंपनी की, और दूसरे नंबर पे आपको ये भी पता चल जाएगा ये जो इन्होंने ये बनाए हुए हैं, A- क्या होता है, A-2 क्या होता है, इसको फर्दर यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो बंदा ज़रा गीक किस्म का आदमी है, जो जानना चाह रहा है A+ A- ये क्या चीज़ें हैं, तो ये देखें, इधर आए, इधर आके इस चीज़ को आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा इनका क्राइटेरिया क्या है किसी चीज़ को रेटिंग देने का, तो वो सारा आप समझ सकते हैं। तो अब मैंने अभी तक आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट ऑफ ये कंपनीज़ हैं 527 जो कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी को देखती हैं, जो जो काम कर रहा है उसके ऊपर ब्रोकर। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया फर्दर नैरो डाउन किया, जिसकी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उस कंपनी में जाने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी होगी। और इसके अलावा आपने यहाँ देख लेना उसका एक्टिव स्टेटस भी होना चाहिए। इस्टेब्लिश के बाद मैंने आपको तीसरा स्टेप ये बताया फर्दर वेरिफिकेशन का, कि VIS के अंदर जाके आपने देख लेना उसकी क्रेडिट उसकी रेटिंग कैसी है, ठीक है। और इसी के अंदर कुछ और नैरो डाउन कंपनीज हो जाएंगी, मेरा ख्याल शायद 100 हों, शायद 50 हों, मैंने गिनी नहीं, लेकिन इतनी तक होंगी। फर्दर नैरो डाउन होकर आपको और कंपनीज कम आपके सामने आ गई, इनमें से आपने अब सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी नज़र में सबसे पप्पू हैं। अब मैं आपको सिर्फ 3 कंपनीज दूंगा, ठीक है, मैं आपको लंबी लिस्टें नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप जो मेन काम है ट्रेडिंग का उससे आपकी टेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और आप ब्रोकर के पीछे टेंशन लेते चले जाएंगे। हालांकि ब्रोकर इज़ नथिंग, ब्रोकर के पास सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो उसके पास होनी चाहिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके पास वो मौजूद हैं। आंखें बंद करके आप इनसे ले सकते हैं, आपकी मर्जी, इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लें। आगे आपकी अपनी विजडम है, कोई और आपको पसंद आता है और इसमें मौजूद है, आपको समझ आता है, आपके लिए अच्छा है, उसको आप यूज़ करें। पास्ट में लोग कहा करते थे कि ब्रोकर को वो सिलेक्ट करें जो आपके करीब रहता है, रियलिटी में अब ऐसा नहीं है। ब्रोकर के करीब होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मैं UK में बैठा हुआ हूँ और बैठ के मैं पाकिस्तान में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्टॉक ट्रेडिंग, अब दुनिया खुल गई हुई है, तो अब आपने उसकी अपने घर से दूरी नहीं देखनी है। आपने जो मेन चीज़ें देखनी है वो उसका ट्रेडिंग पैनल हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग पैनल जिसमें आप काम कर सकते हो, और आपने उस ब्रोकर से पूछना है क्या ये लाइव है, क्योंकि मैंने यहाँ तक सुना है कि पाकिस्तान में कई ट्रेडर्स हैं जो 2 नंबर किस्म के हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने पैनल बनाए हुए हैं ट्रेडिंग के, जिसके अंदर जो बंदा ये समझ रहा है मैं स्टॉक ट्रेडिंग हो रही है, रियलिटी में वो अपने पैनल के अंदर खुद ही बैठ के ऊपर नीचे करते हैं, उसको फिर लाइव ट्रेडिंग के अंदर बाद में डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके साथ धोखा ना हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अच्छी कंपनीज लें, छोटी मोटी कंपनीज में घुसने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड को पकड़ें, ताकि उनका लाइव पैनल होता है, आप लाइव ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कर रहे होते हैं, ये उसका फायदा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग पैनल लेना है आपने। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए उसका रिसर्च पोर्टल, वो अच्छा होना चाहिए। रिसर्च पोर्टल का जो है वो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इन तीनों के रिसर्च पोर्टल मौजूद हैं और अच्छे रिसर्च पोर्टल हैं। इसके अलावा फाउंडेशन सिक्योरिटी का भी मैंने आपको पूरी एक वीडियो बनाई हुई है मैंने इसके ऊपर, फाउंडेशन सिक्योरिटी, जब मैं स्टॉक ट्रेडिंग का मैं एक लेक्चर दे रहा था जिसमें मैं बता रहा था हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, तो उसमें मैंने स्टॉक उसके अंदर गया था, FSH के जो उनका ट्रेडिंग पैनल है, तो वो मैंने दिखाया था। तो आप वीडियो मैं ऊपर शो करा दूंगा, आप उसको देख लेना, इस जगह पर शो होगी और वो आपको उसका ट्रेडिंग पैनल देखने में पता चलेगा FSH का कैसा है, जिसको मैं यूज करता हूं। अच्छा, ऑनलाइन ट्रेडिंग बता दिया मैंने आपको, वो उनके पास होनी चाहिए लाइव। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया रिसर्च उनका होना चाहिए पोर्टल, जिसमें उनकी अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे उनकी कम्युनिकेशन आपके साथ अच्छी होनी चाहिए, कि आपको कल उनको जरूरत पड़े तो वो उसका जवाब देते हो। आप इसका तरीकाकार ही, आप उनको एक ईमेल करेंगे, आपको पता चल जाएगा उनकी कम्युनिकेशन आपके साथ कैसी है। तो इसीलिए आप जो है जब भी किसी को पहली ईमेल करें और उसे पूछें, आप बताएं, उनसे पूछें मैंने इसमें ट्रेडिंग खोलनी है आपके साथ, ब्रोकरेज के साथ अपने आप को लिंक करना है और मैं पाकिस्तान स्टॉक में काम करना चाहता हूं, अपना प्रोसीजर बताएं। वो आपको अगर सेम डे ईमेल करते हैं, नेक्स्ट डे तक ईमेल करते हैं, इट मींस दे आर गुड, एटलीस्ट अपनी उनका सेल्स साइड तो अच्छी है। लेकिन अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, आपको बार बार फोन करने पड़े, उसको छोड़ दें, ठीक है। वैसे आपको ब्रोकरेज के ब्रोकर के साथ आगे वास्ता नहीं पड़ेगा, एक बार आपका पैनल खुल गया तो आप ब्रोकर को कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए ब्रोकर की वो भी टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी आपको जहां प्रॉब्लम आएगी, परेशानी आएगी, कोई डिस्कस करना होगा, आपको वो चाहिए होगा ब्रोकर। और
जो ट्रेडिंग करें ना, सेल्फ ट्रेडिंग करें, आपको ब्रोकर की से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या अपना सारा का सारा ट्रेडिंग उसके ऊपर ना डाल दें कि वो ही करे उसको पैसे, ऐसा ना काम करें। कई लोग ऐसा भी करते हैं, इनको पोर्टफोलियो अपना मैनेज करने के लिए दे देते हैं ब्रोकर को, तो वो जो है आपका मैनेज करता है। ऐसा ना काम करें, खुद करें ताकि खुद सीखें। छोटी मोटी गलतियां करेंगे, आपका लर्निंग कर्व बढ़ेगा फ्यूचर के अंदर। आप खुद करेंगे तो वक्त के साथ सीखते जाएंगे, 10 साल बाद आप नहीं हो सकते ब्रोकरेज की फर्म खोली हो, इसीलिए आपको खुद करनी चाहिए। अब मैंने आपको 3 मेन पैरामीटर्स बता दिए। नोटिस करें, मैंने आपको अभी तक कमीशन की बात नहीं की है कि लोग कितना कमीशन फीस लेते हैं, मैंने उसको मेन नहीं रखा। मैंने आपको बताया ये 3 ही मेन इंपॉर्टेंट है। कमीशन की मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि ऑलमोस्ट जो मेन टॉप कैटेगरी के ब्रोकर हैं वो तकरीबन सेम पैसे चार्ज कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट, तो इसलिए आपको कमीशन वाली टेंशन ना लेना, इसमें घबरा के कोई उल्टी सीधी डिसीजन ना लेना। कोई बंदा बिल्कुल ही सस्ता हो उसकी तरफ चले जाओ, उसके बाद चीके मार रहे हो, ठीक है, फिर ब्रोकर चेंज करना एक अलग प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है। तो अब मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ जो ब्रोकर्स हैं, जो 3 जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, और उसके अंदर से उनकी कमीशन क्या है वो भी आप देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले मैं AKD का नाम लूँगा। AKD का मैंने ट्रेडिंग पोर्टल देखा हुआ, बड़ा अच्छा पोर्टल है, इनकी रिसर्च अच्छी है। AKD जो है सबसे पुरानी 3 में से है, जो 3 के नाम ले लो, 1947 में ये AKD ग्रुप बना था। तो आप इमेजिन करें ये ग्रुप कितना पुराना है, तो इसलिए इस वजह से इनकी बड़ी हिस्ट्री है। इसी वजह से आपको इसके अंदर अगर ट्रेडिंग करनी है AKD के अंदर, तो ये इनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट देती है, 1,00,000 से आप स्टार्ट करेंगे। 1,00,000 से मतलब ये नहीं है कि आपने उसी दिन जाके 1,00,000 के शेयर खरीद लें, इसका मतलब ये है 1,00,000 से आपने अपने उस ब्रोकर अकाउंट में जमा कराना है या CDC अकाउंट में रखना है, और फिर आप आराम से ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है उसके शेयर खरीदें। और मिनिमम इनका यह है कि तकरीबन 5,000 आपका हर टाइम आपके अकाउंट में पड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 5,000 से नीचे जाता है तो उसको टॉपअप कर लें, बस ये इनकी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से कई लोग थोड़ा सा पीछे हिचकिचा जाते हैं कि 1,00,000 जो है वो कैसे स्टार्टिंग में जमा कराएं, अभी तो मुझे स्टॉक ट्रेडिंग का पता ही नहीं है। तो लेकिन इनकी कमीशन आप फीस देख लें, ये सिर्फ 3 पैसा चार्ज करते हैं। अगर शेयर की प्राइस 4.99 रुपीज़ है तो उस पर सिर्फ ये 3 पेंस चार्ज करेंगे, और इसके अलावा आपका अगर 5 रुपीज़ से लेकर 99.99 है तो या तो ये 5 पैसा चार्ज करेंगे या 0.15% उस शेयर वैल्यू का, जो भी इनमें से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये सिंपल कुलिया, और ये सारे इसी तरह कर रहे थे। और 100 और उससे ऊपर की शेयर आप ट्रेड करेंगे तो 0.02 है। इसके अलावा अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, सेम डे बाय करके सेल करते हैं, तो आपको सिर्फ 1 टाइम ये फीस चार्ज होगी, डबल टाइम नहीं होगी ना। अदरवाइज आपको बाय पे भी ये फीस चार्ज होगी और सेल करते हुए भी ये फीस चार्ज होगी। इसके अलावा जो छोटी मोटी और फीस हैं जो इन्होंने डिफाइन कर दी हैं, जो कि कटनी है, जो कि सिन सेल टैक्स है, वो जिसके थ्रू भी आएंगे वो आपको ये सेल टैक्स शायद कट रहा होगा, कैपिटल वैल्यू टैक्स कटेगा, कैपिटल गेन टैक्स है। यहाँ पे एक चीज़ आपने समझ लेनी है, आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% इन्होंने लिखा हुआ है, ये उसके लिए जो फाइलर है, जहाँ तक मुझे याद है, जो नॉन फाइलर है उसके लिए ज़्यादा है, 25% तक ये टैक्स बन जाता है, 25-30% तक। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। वैसे भी ये वैल्यू उन्होंने लिखा हुआ है 1 जुलाई 2015 से अपडेटेड है, तो इसको शायद इन्होंने अपडेट नहीं किया। बाकी ये जो CDC के चार्जेस हैं, ये हर एक से आपके जाने जाने हैं, तो ये नॉर्मल है और बड़ी थोड़ी अमाउंट है, इसको आप इग्नोर लिस्ट पर लगाएं, इसकी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ थी जो आपने देखनी थी वो यही चीज़ थी जो आपको मैंने दिखाई। इसके बाद आ जाता है आरिफ हबीब। ये 1970 में ये कंपनी बनी थी, आरिफ हबीब ग्रुप, और आपने इसका नाम सुना होगा, इनका भी बहुत बड़ा ग्रुप है ये, तो ये भी बहुत बड़े काम कर रहे होते हैं, इनका भी काफ़ी ज़्यादा। इसके अंदर भी अगर आप जाके देखेंगे तो इसकी भी मैं दिखा दूँ, इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ कि हम लोग 3 पैसा चार्ज करते हैं पर शेयर या 0.15% चार्ज करते हैं शेयर प्राइस का। देखें ऑलमोस्ट उसी की तरह हो गया कि 3 पैसा या 0.15% विच एवर इज़ हायर, तो सेम क्राइटेरिया जस्ट लाइक दैट, ठीक है, इसकी तरह का सेम। लेकिन इसमें देखो 5 से ऊपर ये 5 पैसा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, 3% ही रख रहे हैं या 3 पैसा या 0.15%, लेकिन सेम ही है, ट्रस्ट मी इट्स सेम, ठीक है। इसको आप ये चीज़ को इग्नोर करें, आप जो अगर इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि 4.99 की शेयर प्राइस, क्योंकि आपने नॉर्मली शेयर खरीदने 20-20, 40-40 रुपये के हैं, आपने नॉर्मली 2-2, 3-3 रुपये वाले शेयर नहीं खरीदने हैं। 2-3-3 रुपये वाले आप तब खरीदते हैं जब आपने एक ज़्यादा वॉल्यूम में खरीदने हो, तो और उसके अंदर ना ज़्यादा सट्टेबाजी भी चलती है, जो चीप शेयर होते हैं उसके अंदर डे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से उससे बचना चाहिए छोटे प्राइस के। लेकिन आगे आपकी मर्जी है जो आप करना चाहें। नॉर्मली आप 5 रुपये से ऊपर वाला ही लेंगे तो आपको यही चार्ज होगा, 0.15% ही या 0.5 पैसा, और इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 पैसा या 0.15%। अब ये है FSH, ये मेरी है जिसके अंदर मैं काम करता हूँ, इसको कहते हैं फाउंडेशन सिक्योरिटीज़। इन्होंने अपना ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ, इसका नाम रखा हुआ FSH, तो आप कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाएं कि इसने तो मैं FSH दिखाया है, लेकिन
एज नाम की तो कोई कंपनी सिक्योरिटीज़ में मौजूद नहीं है, ये फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ के अंडर आती है, तो इस चीज़ को याद रखो। इनके लिए आपको वैल्यू अकाउंट खुलवाना है जिसमें 25,000 मिनिमम इनकी रिक्वायर्ड है कि 25,000 से आपने अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 25,000 इज नथिंग, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 25,000 जमा करा के 25,000 के शेयर खरीद लेने, उनका मतलब ये होता है सिर्फ अपना अकाउंट रन करने के लिए 25,000 से स्टार्ट कर दो, उसके बाद आप 5,000 के शेयर लें, 4,000 के शेयर लें, डोंट वरी अबाउट दैट। इनकी भी देख लें आप 3 पैसा ये, और उसके बाद 0.15% 3 पैसा और 15% विच एवर इज हायर, वही सेम क्राइटेरिया जो उनका है, मतलब थोड़ा सा बस 2 रुपीज़ और अबव। आपने मैंने बताया इन दोनों को इग्नोर करना, क्योंकि आपने ज़्यादातर 10-15 रुपये से ऊपर के ही शेयर खरीदने हैं, तो आपके लिए हर एक का देखें प्राइस, मैंने तीनों बताई, तीनों की ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, तो इसलिए ब्रोकरेज के कमीशन के ऊपर लड़ाइयाँ ना लड़ें, किसी से घबरा के किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो भाई किसका कमीशन कितना किस, ये जो एक एक पैसा आपने बचाना है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपने ज़्यादा शेयरों में खेलना है तो डोंट वरी। आपको मैंने जो बता दिया, जो आपके याद रखने की चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, वो मैंने आपको बता दिया, तो उसको फोकस करें। इसके अलावा जब आप इनके साथ काम करते हैं, ये जितने मैंने आपको बता दिए हैं ब्रोकरेज, मैंने जो FSH के साथ काम किया, क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया हुआ है तो मुझे ठीक लगे, मुझे इतने माड़े नहीं लगे। मैंने इनका प्लेटफॉर्म देखा, मुझे इनका रिसर्च प्लेटफॉर्म भी अच्छा लगा, मुझे इनके चार्ट्स भी अच्छे लगे, मुझे इनके अंदर काम करके आसानी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया, मैं इनके साथ कम्युनिकेशन करता था, मुझे इसके जवाब भी ठीक मिलते थे, टाइमली मिलते थे। तो लेकिन ये FSH जो है ये 2005 में बनी है कंपनी, ये रिलेटिवली बाकी 2 ग्रुप से करीब की बनी हुई कंपनी है, अभी की बनी हुई लेटेस्ट है, 15 साल हुए होंगे मेरा ख्याल इसको, आप 17 साल आप कह लें, 17 ईयर्स हो गए इसको। लेकिन जो दूसरी कंपनीज हैं उनको ज़्यादा अर्सा हो गया हुआ है, 50 से लेकर 80 से 90 साल हो गए हुए हैं, तो इसीलिए आपको मशवरा मेरा यही है, AKD में जाएं या आप RFB में जाएं, तीसरे नंबर पे अगर आपने आना तो FS में आ जाएं। अगर आप मेरे साथ बैठ के मेरा काम देख रहे होते हैं और आपको आसानी होती है कि जो मैं कर रहा होता हूँ उसी को देख के आप चलना चाह रहे हैं, तो फिर मेरा FSH ले लें, लेकिन ट्रेडिंग पहला तीनों के ऑलमोस्ट सेम होंगे, छोटी मोटी वेरिएशन से। इन तीनों के अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग भी मौजूद है, इन तीनों के अंदर मोबाइल ट्रेडिंग की भी सर्विस मौजूद है, आप मोबाइल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मैंने इनमें देखा तीनों में जाके। RFABIB के अंदर मैंने एक अच्छी चीज़ ये देखी है, इन लोगों ने लिखा हुआ है कि डेमो अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, अगर आप ये देखें लिखा है डेमो अकाउंट, तो आप डेमो अकाउंट खोल के आप वैसे ही इनको चेक करने के लिए पोर्टल ट्रेडिंग होती क्या है, आप डेमो के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इट्स अ गुड थिंग आप इस पे बैठे और बैठ के पहले डेमो करके देखें ताकि आपको आसानी हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं आप और क्या जानना चाहते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो फ्यूचर में बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे। डॉक्टर साहब ये आप क्या देख रहे हैं? और यार मैं चेक कर रहा हूँ ये जो वीडियो आखिर तक देख रहे हैं मेरे दोस्त, यार इनको ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार देखो राइट साइड पे होगा मेरी वीडियो के नीचे बनाओ, यार इसको बस दुबाना है, कुछ भी नहीं होता, ये देखो कोई करंट नहीं लगा मुझे, ये देखो कोई करंट नहीं लगा, बस भाई इसको प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद ना आ रही हो तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा कीजिए, या अच्छी भी लगे तो बता दिया करें, तो आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड थम्स अप।